हेलो फ्रेंड, मैं आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी तहरी। तहरी इसे यूपी में कहा जाता है और बाकी राज्य जो भारत के हैं उसमें इसे वेज पुलाव कहा जाता है। तो चलिए बनाते हैं सुपर स्पाइसी और सुपर टेस्टी तहरी। फ्रेंड, तहरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगेगा ना वो कुछ इस प्रकार है। आपको करी पत्ता लगेगा जो छौंक में लगता है, ये धो के मैंने सुखा लिया है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम तीखा खाते हैं तो कम लीजिएगा। लहसुन ले लीजिएगा, प्याज एक बारीक कटा हुआ ले लीजिएगा, काजू और किशमिश ले लीजिएगा, ये ड्राई फ्रूट है, आप अपने हिसाब से दूसरे भी ले सकते हैं। धनिया, हींग भी आप एक पिंच ले लीजिएगा। हल्दी और ये अदरक है और ये जो है नमक है और साथ में गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाला की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं एक दिन आपको दे दूंगी, दो चार दिनों के बाद में देने वाली हूँ। अब आप सब्जियों में क्या लेंगे, तो सब्जियों में आप जो मैं दिखा रही हूँ वही सब्जियाँ नहीं लेनी है, इसके अलावा भी आप सब्जियाँ ले सकते हैं। मैंने मटर लिया है एक बाउल के करीब है और आलू एक बड़ा ले लिया है, एक थोड़ा सा टमाटर ले लिया है और मैंने राइस लिया है जो कि पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो राइस मैंने लिया हुआ है। ये पूरा एक कटोरी नहीं लिया, एक कटोरी से थोड़ा कम लिया है। अब आप एक कुकर लीजिए या पैन लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो वो ले लीजिए। उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल लीजिए। घी के अलावा ये तेल में भी बनता है बहुत आराम से। और इसमें आप मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा हींग डालूंगी, जीरा जब तड़कने लगेगा तब मैं इसमें हींग डालूंगी। हाँ, एक पिंच मैंने हींग डाला है। अब इसी वक्त हम लोग हरा मिर्च डाल देंगे और साथ में हम लहसुन भी इसी वक्त डालेंगे। ये देखिए इतना सारा लहसुन मैंने डाल दिया है और अब इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें हम करी के लीव्स जो है ना वो डाल देंगे। करी के लीव्स मैंने डाल दिए, धो के सुखा लिया था, वो करी के लीव्स मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद 2 मिनट तक आप इसको ज़रूर भूनिएगा, क्योंकि तब तक प्याज जो है ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आप इसको भूनिएगा। ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें बाकी की जो सब्जियाँ हैं वो सब मैं ऐड करूँगी। देखिए ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया है और लहसुन भी देखिए थोड़ा रेड हो गया है। अब इसमें मैंने आलू डाल दिया है। अब मटर भी इसी वक्त मैं डाल दूँगी और साथ में बाकी अगर कोई सब्जी है ना, जैसे गाजर है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, वो सब भी आप इसी वक्त डाल दीजिएगा। अब इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, अदरक डाल दिया है और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी। 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं गरम मसाला मिलाने जा रही हूँ। गरम मसाला आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ पूरा भर के। आपको कम चाहिए तो कम, तीखा खाते हैं कम मसाले वाले खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने राइस डाला है जो कि 2 पानी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर इसको 2-3 मिनट मैं चलाऊंगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं चलाते हुए राइस को। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 कटोरी आपकी राइस है तो आप 2 कटोरी पानी प्लस आधा कटोरी और पानी सब्जियों के लिए आप डालिएगा। अभी इसी वक्त मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ। तो अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। अब मैं फिर से वापस से इसको चला लूँगी और खोलने तक वेट करूँगी और इसी बीच में मैं काजू और किशमिश जो है वो मैं डाल दूँगी। अब ये देखिए खोलने लगा है। अब बस इसको बंद करके हम लोग प्रेशर का वेट करेंगे। 1 सीटी हो गई है। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। देखिए ये कितने लजीज, कितने स्वादिष्ट और कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल के आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए दिख रहा है ना, थोड़े से अनारदाना, थोड़े से भुजिया, आलू भुजिया डाल करके मैंने सर्व कर लिया है। देखिए दिखने में कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम को इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू।